राजस्थान में चुनाव बेहद नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों के दावेदार टिकटों के लिए अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस में भी दावेदारों में प्रतिस्पर्धा जोरों पर देखने को मिल रही है। जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पति और पत्नी के बीच टिकट को लेकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मीना कंवर कांग्रेस की मौजूदा विधायक है और इसी सीट से अब उनके पति उमेद सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर थे। चोड़िया ग्राम के शेरगढ़ के पूर्व प्रधान स्वर्गीय कल्याण सिंह राठौर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शेरगढ़ की विधायक मीना कंवर ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। पत्नी के बाद उनके पति उमेद सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया और अशोक गहलोत को अपना सियासी गुरु बता दिया और मंच पर उनके पैर भी छुए। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी पत्नी के बीच टिकट की दौड़ चल रही है। साथ ही उमेद सिंह ने कहा कि 2018 में नियम बना कि हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा इतनी रही कि एमएलए नहीं, मुझे एमएलए पति बना दिया। लेकिन इस बार मेरे और मेरी पत्नी में स्पर्धा है और इस बार टिकट किसे मिलेगा, आप टिकट किसे देंगे ये तो आप ही जानते हैं, और आगे आप क्या करेंगे ये भी आप किसी को बताते नहीं हैं। मोदी वेव आ गई, फिर रह गया 3000 से, और इस बार पार्टी ने नियम बना दिया कि चाहे 2000 से हारो चाहे 500 से हारो, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। आपने बैठ उठ के अपना दिमाग लगा करके, क्यों मेरे से आपका प्यार था, आपने कहा ऐसा काम कर दूं ये एमएलए बने कि नहीं बने, इसको एमएलए पति बना दूं। क्या सर, मेरे और मैडम के बीच में टिकट की दौड़ भाग चल रही है, ये सोच रही कि मुझे मिल जाए। आपकी तारीफ कर रही थी, मैं देख रहा था ये जल्दी बैठ जाए मुझे मिल जाए। अब तय आपको करना है, अब आप भी किसी को कहते नहीं, पता नहीं क्या करोगे, किसको टिकट देंगे या किसको नहीं देंगे। जब मुख्यमंत्री मंच पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने भी दोनों पति पत्नी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों में जुगलबंदी और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। मीना कंवर यूं तो आगे निकल गई, लेकिन मुझे कह दिया कि आप चाहे तो टिकट इनको भी दे सकते हैं। गहलोत ने कहा कि उमेद सिंह चिंता मत कीजिए, मीना कंवर ने कह दिया है, लेकिन टिकट तो सर्वे के आधार पर ही मिलेगा। होते नहीं, तो संगीत के अंदर जुगलबंदी होती है, आप प्रतिस्पर्धा होती नहीं होती है, वही प्रतिस्पर्धा आज पति पत्नी में देखने को मिली। और खुशी बात की है कि इस प्रतिस्पर्धा में आज मीना कंवर नंबर दे गई। देखिए घूंघट हटाने का कितना बड़ा फायदा मिलता है, घूंघट में कह सकते हैं महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को, उनका व्यक्तित्व आगे आ नहीं पाता, प्रतिभा क्या है उनकी जानकारी समाज को मिल नहीं पाती। और देखिए आप मीना कंवर जी को तो बाई चांस मौका मिल गया, वरना उमेश जी छोड़ने वाले नहीं थे कुर्सी को, मौका मिल गया। पर मीना कंवर जी 5 साल के अनुभव में देख रहा हूँ, इनको बात कर रहा हूँ मैं जब से बनी तब से, अब जो आज उन्होंने भाषण दिया सबका दिल जीत लिया। तब मुझे मीना कंवर ने कहा नहीं अगला दिन टिकट दिन को देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, ये बड़प्पन है महिला का, उमेश जी घबराने की बात नहीं, उन्होंने बोल दिया ये बात, इनकी तरफ से ठीक है। अब तो क्या सर्वे होगा, सर्वे में नाम किसका आएगा उसको टिकट मिलेगा, ये दिमाग में रख रहा हूँ। कांग्रेस के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट बांटना आसान नहीं होगा। प्रदेश में 200 विधानसभा सीटें हैं और कई सीटों पर एक से अधिक लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में दावेदारी को लेकर मंथन का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार नए चेहरों पर दाव लगा सकती है, तो कई बड़े चेहरे को टिकट भी काट सकती है। फिलहाल अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि टिकट सर्वे के आधार पर ही दिया जाएगा।